टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट बुक वर्सेस फोन एडिक्शन, हाउ वी शुड अवॉइड फ्रॉम फोन एडिक्शन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रीड बुक। फोन एडिक्शन हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम इन आर सोसाइटी बिकॉज एवरी पर्सन की बिजी ऑन मोबाइल वर्ल्ड डे। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही डेंजरस है हमारी लाइफ के लिए, साथ ही साथ अपकमिंग जनरेशन के लिए। जब हम किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस करते हैं सो देट टाइम हम केवल मोबाइल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आज थिंकिंग पावर कम हो रही है। हम दो मिनट तक भी नहीं सोचते कि कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि आज हमने बुकों का यूज़ करना छोड़ दिया, बुकों को पढ़ना छोड़ दिया। अगर हम बात करें एंशियंट टाइम के बारे में, इन एंशियंट टाइम एवरी स्टूडेंट बुकों का यूज़ करते थे। अगर वो किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस करते थे तो वह सोचते थे कि कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को। आज हम मोबाइल फ़ोन के इतने आदि हो चुके हैं कि जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि मार्केट से सामान ले आइए, तब हम कहते हैं अभी नहीं, अभी मैं मोबाइल में बिजी हूँ। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम मोबाइल फ़ोन के इतने आदि हो चुके हैं कि हमने अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना छोड़ दिया। सो नेवर डिसरेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स बिकॉज दे आर योर रूट। इट डजेंट मीन वी शुडेंट यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, वी शुड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एज पर लिमिट इन प्रॉपर वे। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें मोबाइल का यूज़ करना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू लिमिट इन प्रॉपर वे। मिलियन ऑफ यू टूडे आर स्लीपिंग, दे आर वेस्टिंग टाइम, बट आफ्टर 5 and 10 years आप लोग देखोगे वो बंदे जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे क्लास मेट थे, आज वो मिलियनर है, सीईओ है। आप क्या है? आप किसी के घर में काम कर रहे हो, आप बस ओला चला रहे हो, आप 5 shops चला रहे हो, मैं केले बेच रहा हूँ, मैं स्विगी में काम करता हूँ, मैं घर घर जाकर खाने देता हूँ। आप इसलिए पैदा हुए कि घर घर जाइए लोगों को खाना देते रहे। काम बुरा नहीं है, काम सही है, बट जब अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है कुछ करने की, तो बेहतर से बेहतर अचीव करें अपनी ज़िंदगी में। जब आपकी माँ बीमार है, आपके अब्बू बीमार है, तब आपके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए, क्योंकि जिस वक्त जिस दिन आपको काम करना था उस दिन आपने काम नहीं किया, जिस दिन आपको मेहनत करनी थी उस दिन आपने मेहनत नहीं की। आप तवाफ कर रहे थे गर्ल्स कॉलेज के, जिस दिन आपके हाथों में बुक होनी चाहिए थी उस दिन आपके हाथों में स्मार्टफोन थे। वन मोर थिंग आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग न्यू दिल्ली टू बेंगलोर बाय द ट्रेन, जिस डिपार्टमेंट में मैं बैठा था उस डिपार्टमेंट में एक फैमिली थी जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती थी। सो वो दिल्ली से मैसूर तक जा रही थी, मैं उनसे बात करने लगा तो मैंने देखा ड्यूरिंग डिस्कस कि उनके हाथ में बुक है, वे बुक पढ़ रहे थे और उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके पास कीपैड फ़ोन थे, और जो इंडिया से बिलोंग करते थे वो सब मोबाइल में बिजी थे। हमें इससे सीखना चाहिए कि जहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई है वहीं पर 10th and 12th class से पहले मोबाइल फ़ोन पर बैन है। आज अच्छी किताब चाहे वो फिक्शन हो और बायोग्राफी, आपको उसमें आइडिया, माइंड सेट, एक्सपीरियंस और एडवाइस मिलेगी जिसे आप कभी भी पढ़ सकते हो। हर एक सक्सेसफुल आदमी का समय बड़ा कीमती होता है, किसी भी काम के आदमी के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको बैठकर सुने, समझे, आपको एडवाइस दे। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए और सोचने का नया तरीका चाहिए तो वो एक अच्छी किताब है और रेयरली अच्छे लोगों से मिलेगी, और बहुत सारी खूबियाँ है रीडिंग हैबिट की। मैं बस आपसे एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, आज सारी नॉलेज डिजिटल हो रही है, लोग उम्मीद करते हैं कि ऑनलाइन से पढ़कर हम जल्दी सीख लेंगे, बट वॉरेन बुफे आज भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हर हफ्ते 500 पेज पढ़ते हैं। इसलिए रीडिंग हैबिट प्रोफेशनली बहुत काम आती है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो।